जाता है। नमस्कार, मैं मदनलाल, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज। सुरतगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत पदमपुरा के तक 3 PPM में पीने के पानी को तरसते हैं लोग। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता पूर्णनाथ धाड़ीवाल के साथ। चक 3 PPM ए जो ग्राम पंचायत पदमपुरा की सीमा में आता है, लेकिन इस चक में पानी सीलवानी से दिया जाता है। 2 वर्ष पूर्व इस चक में पानी देने के लिए जलदाय विभाग ने एक पानी स्टॉक की जेलेआर बनाया था, लेकिन उसमें फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए एक ही बार पानी डाला गया था। उसके बाद जलदाय विभाग के कर्मचारी द्वारा जेलेआर के पास की पाइप भी काट कर दिया गया और लगभग 1.5 साल से ग्रामीण पीने के पानी के लिए परेशान है। टैंकरों से पानी अपने घरों में मंगवाना पड़ता है, लेकिन जलदाय विभाग अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों द्वारा स्थानीय विधायक राजेंद्र सिंह भादू के समक्ष कई बार आवेदन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। वहीं चक के निवासियों ने बताया कि अगर जल्दी से जल्दी हमारी पीने के पानी की समस्या का हल नहीं निकाला गया तो हमें मजबूरन होकर रास्ता आंदोलन का अपनाना पड़ेगा। इस मौके पर हनुमान सुथार, बनवारीलाल ढाका, गोगाराम नायक, पृथ्वीराज कस्बा, दीनदयाल भंवर, राजेंद्र कृष्ण, जगदीश नायक व अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। हरदासवाड़ी से पूर्णनाथ धड़ीवाल की रिपोर्ट। 7 किलोमीटर पानी आयो है सीलवानी पंचायत, कम अगम 1.5 साल हो गए बढ़िया, आज तक में पानी को नहीं आ रहा है। मेरा 30 हट है लारा, 3 महीना की तो बंदी पानी आयो है, टैंकरों पानी मंगा ला रहा, और PWD के विभाग बने है, कोई अधिकारी ना देखण आयो ना कोई संभाल शुद्ध करे। मैं तो जाइए आप सारा ने कह दियो, कोई सुनाई कौन करे। स्थानीय विधायक भी आयो तो मैं कह दियो, तो क्या देखा पाइपा कोनी, कदी का नहर में पानी कोनी, बस यही जान सा देता रहे। चक 3 PPM एक घर पंचायत पदमपुरा तहसील सूरतगढ़, कोई सुनाई कोनी ऑनलाइन।